VFM में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं इंटेक्स बॉम का, जो कि 2.1 वेरिएंट में अवेलेबल है, और सोनी के D10 जो कि 4.1 मल्टीमीडिया होम थिएटर है। साउंड कंपैरिजन तो करेंगे, थोड़ा सा मैं पहले टेक्निकल आपको स्पेसिफिकेशंस में कंपैरिजन बता देता हूँ। ये एक 4.1 चैनल है और ये एक 2.1 चैनल है इंटेक्स का, सोनी D10 4.1 ऑफ कोर्स। जो दोनों का जो बूफर का जो ड्राइवर है वो ऑलमोस्ट सेम है। सोनी का 6.3 इंचेस है जो कि 32 वॉट RMS का है, इसका 6.5 इंचेस है जो कि 50 वॉट RMS का है। ओके, सुनने में लग रहा होगा ये ज़्यादा पावरफुल है, खैर वो तो साउंड टेस्ट के बाद पता पड़ेगा। दोनों के जो सेटेलाइट स्पीकर हैं वो लगभग लगभग 3 इंचेस के हैं। सोनी के थोड़े से फालतू हैं, सोनी के 3.14 इंचेस के हैं, इसके इंटेक्स के 3 इंचेस के इंटेक्स बॉम के। एंड सोनी के स्पीकर्स में वॉल माउंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इंटेक्स के स्पीकर्स में वॉल माउंट का ऑप्शन नहीं मिलता। दूसरी बात, सोनी के स्पीकर्स की वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी है देन इंटेक्स के। ओके, सोनी में उधर ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं मिलता है, नहीं डिस्प्ले मिलती है, सिर्फ डिस्प्ले ब्लूटूथ मिल जाती है दोनों। ओके, ये भी एक फ़र्क है। एंड अब हम गाने प्ले करेंगे एंड देन, हाँ गाने प्ले करने से एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, दोनों ही स्पीकर में आपको ग्रिल मिल जाती है ताकि बूफर की प्रोटेक्शन रह सके, स्पीकर्स में भी आपको ग्रिल मिल जाती है। एंड ये जो बेस है यहाँ आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है दोनों ही स्पीकर्स में। ओके, ना ही इंटेक्स में मिलती है ना ही सोनी में मिलती है। तो दोस्तों गाने प्ले कर लेते हैं, और गाने प्ले करने से पहले आप इंस्टाग्राम पे टाइप कर सकते हैं VFM1.00 और वहाँ आपको जो इंस्टाग्राम का हमारा पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को लाइक करके। एंड देन आप जितने भी स्पीकर्स हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके तरह तरह के सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उधर जल्दी नोटिफिकेशन आ जाती है इंस्टाग्राम पे, और क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, ठीक है, और चैनल दूसरी जगह है, इंस्टॉल है मेरा, तो इंस्टाग्राम ईजी पड़ता है। तो आप वहाँ जाके कोई भी क्वेश्चन पूछिए, और आने वाली वीडियोज़ की भी अपडेट और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आप उस पेज को जाके चेक कर सकते हैं VFM 1.00, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। खैर गाने प्ले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे टोटल बात करते हैं इन दोनों की डिटेल साउंड टेस्ट। ओके, लेट्स प्ले द सॉन्ग। तो दोस्तों आई होप आपने हेडफोन लगा के दोनों की सॉन्ग्स को सुन लिया होगा। अब मैंने स्पीकर्स ऑफ किए हुए हैं इसलिए इंटेक्स में अभी LED नहीं चल रही है, मैंने दोनों को ऑफ कर दिया है। खैर अब इंटेक्स की आपको डिटेल्ड साउंड टेस्ट वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो खैर ये वीडियो देख लीजिए, काफ़ी होगी आपके लिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों लाउडनेस की, तो ये जो सोनी का सिस्टम है ना ये ज़्यादा लाउड है। ओके, जो 4.1 चैनल है, हालांकि इसके जो स्पीकर्स का जो पावर आउटपुट है वो 9.5 है और जो इंटेक्स है उसका 15 वॉट है, लेकिन फिर भी ये सोनी का ज़्यादा लाउड है।
हाँ, एक चीज़ में आप कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें बेस ट्रैवल का कंट्रोल नहीं दिया गया है, तो ट्रैवल हल्का सा कम है इसमें, इनटैक्स में ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट दोस्तों यही है कि क्या फ़ायदा है ऐसे ट्रैवल का, जहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम पर ले जाने पे डिस्टॉर्शन होती है। सोनी की जो साउंड काफ़ी स्मूथ रहती है, वोकल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन इनटैक्स में वो मज़ा है ही नहीं। ठीक है, देखो साफ बात बोल रहा हूँ मैं, इनटैक्स डिस्टॉर्शन होता है इसमें, और तो इस वजह से ये सोनी के मामले में लाउडनेस से भी पीछे है। ट्रैवल मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है कि बेस ट्रैवल का उसमें कंट्रोल करने का ऑप्शन है, उसमें नहीं है, उसमें प्री सेट है जो भी है, इंटेक्स में है। ओके, तो लाउडनेस में अच्छा है सोनी, वोकल्स क्लियरिटी वो भी सोनी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं बेस की। दोस्तों बेस जो है, एक तो एक चीज़ होती है कि ज़्यादा वॉल्यूम ले जाने तक बेस फटे ना, वो चीज़ सोनी में बहुत अच्छी है। ठीक है, इंटेक्स की भी अच्छी है, इंटेक्स की भी थम्पिंग है, लेकिन पर्सनली जो इसका स्पीकर के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन किया गया है सोनी के साथ, उसकी बेस इतनी स्मूथ है, वोकल्स इतने क्लियर आते हैं, तो उसकी बेस ज़्यादा अच्छी लगती है। इंटेक्स की इतनी अच्छी नहीं लगती। इंटेक्स में आपको कभी तो आपको लगेगा कि ट्रैवल ज़्यादा होता है, तो रिमोट से आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, मतलब नहीं का मतलब थोड़ा कम कर पाता है सोनी के कंपैरिजन में। लो फ्रिक्वेंसीज जो बेस आता है अच्छा आता है सोनी में, एंड दोनों ही हाँ स्पीकर्स में आप कम वॉल्यूम पे या मीडियम वॉल्यूम पे या लो वॉल्यूम पे आप बेस का मज़ा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम लो कर दी बेस दोनों का गायब हो गया। इस इंटेक्स में भी और सोनी में भी कम वॉल्यूम पे बेस आता है, लेकिन यहाँ ओवरऑल दोस्तों विनर है सोनी। बट दोस्तों दोनों में ह्यूज प्राइस डिफरेंस है। सोनी का आपको कम से कम 6,000 का मिलेगा, और जो अभी इसके अपग्रेडेड मॉडल आए हैं जिनमें ब्लूटूथ वगैरह है, ठीक है, D40 है जैसे, और वो तो 8,000 की रेंज में आई थिंक, और ये आपको मिल जाता है 4,000 की रेंज का। लेकिन अभी इसका करंट प्राइस फ्लिपकार्ट पर चल रहा है 4,799, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर इसका प्राइस 4,000 से नीचे गिरता है देन ही आपको लेना है ये। ओके, तो इस हिसाब से देखें थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा नहीं मतलब आई थिंक कम से कम 2,000 का प्राइस डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कंपैरिजन की, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो स्पीकर है वूफर है, 50 वॉट RMS का है, और इसका ओनली 32 वॉट RMS का है, 6.3 इंच का है, इसका 6.5 इंच का है, लेकिन बेस बहुत अच्छा और प्यारा है इसमें। भले ही इसमें आपको लगे कि यार थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें वो होगा, लेकिन डिस्टॉर्शन और लोअर फ्रिक्वेंसीज को अच्छी तरीके से मेंटेन ना कर पाना, ठीक है, इसकी बेस में है प्रॉब्लम थोड़ी सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। इसमें आप पैसा खर्च करेंगे और सोनी का बिल्कुल आपको एक ब्रांड वैल्यू है, वो पूरा मतलब अच्छा मटेरियल देते हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको इसमें कोई शिकायत मिलेगी नहीं। ठीक है, हाँ ब्लूटूथ चाहिए तो आपको देन ये सिस्टम आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब, इन माई ओपिनियन, ओवरऑल विनर यहाँ होता है सोनी, अगर हम प्राइस रेंज को हटा दें तो, एंड इंटेक्स यहाँ लूज़र। सॉरी, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको देखना है नेक्स्ट वीडियो में ये कि इंटेक्स कैसे किस तरीके से कंपेयर ओबेज के साथ कर पाता है या नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी तो आपको कुछ दिनों बाद वीडियो में पता चल ही जाएगा।